30 गन्ना है, 30 शुगर कैन है ये, बाप रे। गड़गड़ आ रहा था। तो अभी जो इतना मैं बिहार का ब्लॉग बना रहा हूँ उसमें आप लोग को भोजपुरी सुनने को बहुत मिलेगा, क्योंकि अपन तो बिहारी है भाई, अपना लैंग्वेज नहीं बोलेगा तो किसका लैंग्वेज बोलेगा। तो मतलब जो गांव वाले से, आप दुकानदार से जिससे बात करूंगा आप लोग, उससे बिहारी में ही सुनेंगे, हिंदी में तो बात करने वाला हूँ नहीं, तो आप लोग बिहारी सुनिएगा। अगर आप लोग समझा तो ठीक, नहीं समझा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब हिंदी में बता दूंगा आप लोग। तो आज इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि छठ से पहले क्या क्या सामान लगता है, जैसे कि गेहूँ धोना, मिट्टी का चूल बनाना, चक्की में लेके जाना, गन्ने काटना, कोसी लाना, दौरा लाना, ये सब इस ब्लॉग में आपको दिखाया जाएगा। तो अभी हम लोग गेहूँ धोने की प्रक्रिया जो है शुरू कर रहे हैं। मम्मी मेरी गेहूँ धोएगी, मैं मम्मी को बस सामान ले जाकर दे रहा हूँ कि मम्मी वो बस उनको हेल्प मिले कि धोए, बाकी मैं दूर से होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मम्मी अभी धोएगी। तो अभी मम्मी गेहूँ उठा लिए, अब इसको डाल के फिर इसको अच्छे से, मतलब इसमें कुछ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा ना मिट्टी भी रहना चाहिए ना इस पर, मतलब एकदम शुद्ध, एकदम जो बोलते हैं ना साफ, एकदम वैसा रहना चाहिए ये वाला। तो देखते हैं मम्मी कर रही है। तो गेहूँ धो के हो गया है, तो मम्मी अभी क्या कर रही है, छत पर ला के इस पर धूप लगा रही ताकि ये सूख जाए और इसको शाम तक ले जाके चक्की में इसको रखे तो ये आटा बने। तो अभी मम्मी यहाँ पे सुखा रही है अच्छे से, तो देखते हैं मम्मी सुखा रही है, मम्मी सुखा जल्दी, शाम तक इसको कैसे भी लेके जाना है। भले छठ 2 दिन ही हो लेकिन इसकी तैयारी 4 दिन पहले, देखिए आज 26 तारीख है तो आज से ही तैयारी हो गया। तो यहाँ पे को साफ सफाई हो रहा है घाट को, यहाँ पर मंडप बन रहे हैं, तो मैं भी जाके थोड़ा हेल्प करता हूँ उनका। तो अभी मैं भी जाके कुदारी चलाऊँगा, साफ करूँगा, तो मैं मिट्टी कोड़ के जो घास है उसको निकालना चाहता हूँ, निकालना क्या चाहते हैं, निकाल के साफ करूँगा, फिर उसके बाद जो होगा। अभी मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये गोधन कूटा जाता है, मतलब दिवाली के कुछ दिन बाद, 1 दिन या 2 दिन बाद गोधन कूटा जाता है, जिसके कारण छठ आता है ना तभी ये कूटा जाता है। तब क्या पता ये क्यों कूटते हैं, उतना तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जितना मालूम उतना मैं आपको बता दिया, गोधन कूटते हैं। तो देख लगे कितने महिलाएं यहाँ पर आके जहाँ पे, दादी हमारी जो है वो चूल बनाने की तैयारी कर रही है, जो मिट्टी उसको छोटा छोटा तोड़ रही है ताकि उसको सानने में फिर आसान पड़े, ताकि मिट्टी बने और इस पर ठिकुआ बनेगा। अब मम्मी हेल्प कर रही है दादी की ताकि जल्दी जल्दी सान ले, क्योंकि दादी धीरे धीरे सान रही थी। तो मिट्टी सान के हो गया, तो दादी है जो धीरे धीरे मतलब उसको पसार रही है, मतलब लगभग 2 से 2.5 फीट उसको लंबा करेंगे, उसके बाद जब सूख जाएगा ना उसको गोल करके फिर चूल्हा बनेगा। तो देखते हैं दादी क्या बना रही है, दादी क्या बना रही है, दादी हमारी चूल्हा ही बनाएंगी, तो देखते हैं दादी कैसी बनाती है। और जो इसमें लकड़ी रखा जाना है उसका बेस बना के रखी, कहती कि हिले ना जब वो चूल्हा बन के तैयार होगा। पापा मेरे क्या कर रहे, लकड़ी फाड़ रहे ताकि छठ के दिन यूज करेंगे, गैस पे तो बना नहीं सकते, इसके वजह से पापा मेरे लकड़ी फाड़ रहे। दौरा लेके जा रहा हूँ लाने, अब दो भाई लोग इधर से जाके दौरा लेके आना, तो घर से निकला हूँ अभी, जाऊंगा दौरा लेके आता हूँ, दिखाता हूँ कहाँ से दौरा लेना है। क्या मेरे दो भाई लोग का घर है, तो इधर से मेरे को दौरा मिलेगा, ये वाला दुकान घर से नहीं, इसके जो बाजू वाला घर है उधर से मेरे को दौरा लेना है। मम्मी बोली उधर से लेना है, क्या पता क्यों बोली उधर से लेना है। दौरा तो बन गया लेकिन मैं दौरा को बांधे नहीं हूँ, तो बोली कि मैं शाम को पहुँचा दूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो पटरी सम नदी के बीच में भरा है, यहाँ पे मूर्ति रखेंगे ताकि एकदम अच्छा दिखेगा। अभी ये काम इसका चल रहा है, ये छठ के दिन तैयार हो, मिट्टी था वो सूख गया है, इसको दादी ने गोला कर दिया, तो ये चूल बन के हमारा तैयार हो गया है। जो मम्मी कल गेहूं धोई थी आज वह यहाँ पे है, उसको लेके जा रहे मिल में, फिर तो वहाँ पे गेहूं को आटा बनेगा, तो शाम कल शाम को रोटी बनेगा। अभी आज नहाए खाए तो आज दे रहा हूँ, ले जाके दूंगा गेहूँ पीसेंगे वो, देखते हैं आगे जाके। तो यहीं पे देना है हमें चक्की पे, तो मैं चप्पल पहन के अंदर चलेगा तो बोले नहीं चप्पल बाहर निकल के, वहाँ पे छठ पूजा का जो सब कुछ है तो सुख से हो रहा है तो सुख से होना चाहिए, तो मैं चप्पल बाहर निकल गया फिर अंदर गया हूँ और यहाँ पे रखा हूँ। जिसका वजन लगभग 10.5 किलो है, तो ये मेरे दादा लगेंगे, तो इनको मैं बोला कि कल क्या होगा, तो सुनिए क्या बोल रही है।
पहुंच गए। ये पानी अपनी जगह साथ ही है हम साथ बना मिल गए। तो ये लाइन कितना बा तो चक्की वाले के पास बहुत गर्दी था, इसके वजह से बोला कि मैं बोला कि शाम को दे देंगे, मतलब और शाम थोड़ा सा, तो बोले नहीं कल सुबह दूंगा। मेरे को लगा कि अभी शाम को देंगे, तो इसलिए थोड़ा वहाँ पे आवाज भी नहीं आ रहा था बहुत, तो मशीन का गड़गड़ 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 आ रहा था, इसके वजह से तो कल सुबह वो देंगे। तो चूल्हे में जो बाकी था मिट्टी का प्रक्रिया हो गया, इसमें रखेंगे आग, जिसके वजह से जो रसिया रोट रहेगा उसमें कुछ प्रसाद इसमें डालेंगे ताकि उसको जलाया जाए। तो अभी चूल्हा हमारा रेडी हो गया है कल के लिए, आज नहाए खाए है तो कल इसका यूज करेंगे। तो ये छठ पूजा के एंट्री गेट है, अभी इसका काम चल रहा है, तो अभी आधा ही हुआ है, इसका लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पर्दा लगा है, अभी पर्दा भी बाकी। तो अभी मेरी बुआ आटा सान रही है, आज खीर और रोटी है, मतलब खरना है आज, तो रोटी और खीर बनेगा। तो बुआ अभी मेरी रोटी बना रही है, अभी जब बनाएंगी तब दिखाऊंगा। तो आटा भून के हो गया है, अभी मेरी बुआ है वही रोटी बना रही है, मम्मी उनकी हेल्प कर रही है, जो बुआ सिर्फ रोटी बना रही है और मम्मी उसको पलट उलट के मतलब निकाल रही है। तो देख सकते हैं मेरी बुआ बना रही है, मम्मी पलट के निकाल रही है, तो देखते देखते रहिए आप लोग, लास्ट तक बने रहिए और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। छठ पूजा दिखा रहा हो, छठी मैया कृपा आप लोग पे बने रहे, तो सब्सक्राइब कर लो। मम्मी अभी हेल्प कर रही है, एक दूसरे की हेल्प कर रही है, ऐसे ही चाहिए बिहार में हमारे। तो रोटी फूक गया है, अभी बुआ निकालेंगे, मैं बोला बुआ आप ही निकालो, तो सूख गया है, देखिए क्या होगा। तो रोटी बन के तैयार हो गया, तो अभी खीर बन रहा है, तो बुआ है वही चावल डाल रही है। तो बुआ मेरी यहाँ पे गुड़ को तोड़ रही है ताकि इसको छोटा छोटा करके फिर उसको खीर में डालेंगे, क्योंकि शक्कर का खीर हमारे इधर क्या, जब छठ पूजा तो शक्कर डालते नहीं है, डायरेक्ट गुड़ डालने का। तो आप लोग भी अगर नए नए छठ कर रहे हैं तो गुड़ ही डालें, शक्कर यूज ना करें। तो बुआ गुड़ को छोटा छोटा करके अब इसके अंदर डाल रही है, मतलब छोटे छोटे मिक्स करके अभी खीर के अंदर डाल रही है ताकि ये अच्छे से घुल मिल सके। तो अभी सब रेडी हो गया, तो अभी मम्मी आके दूध डाल रही है, तो दूध डाल के फिर इसके बाद बन गया, अभी देखते हैं खरना में क्या हो रहा है। तो सब रेडी हो चुका है, मम्मी पूजा करने के लिए तैयार हो गई, खरना है आज, तो छठी मैया का आज पूजा करेंगे। तो ये आग है, इसके अंदर कुछ खीर डालेंगे और रोटी डालेंगे, इसके बाद पानी उछलेंगे के मतलब पानी गोल राउंड करके उसका गिरा के फिर ये लोग खाना शुरू करेंगे, मम्मी और बुआ। तो देखते हैं कैसे करते हैं लोग। छठी मैया है उनको पेंट किया जा रहा है, कलर किया जा रहा है ताकि वो खूबसूरत दिखे। छठी मैया तो वैसे भी पहले से खूबसूरत है, वैसे कोई बात ही नहीं है, लेकिन कलर करके इसे और अट्रैक्टिव बना रहा है, बनाया जा रहा है। तो ये रहा हमारा छठ पूजा घाट, अब यहाँ पे मूर्ति रखेंगे, वो कल दिखाऊंगा जब अगला ब्लॉग आएगा, उसमें दिखाऊंगा कि मूर्ति कौन सा रखे हैं। तो फिलहाल हम लोग ये तो जानते हो, क्या नहीं जानते तो बताता हूँ, ये हंसुआ बोलते हैं, अभी हंसुआ से हम लोग जा रहे हैं गन्ना काटने। गन्ना लगभग एक जन काटेंगे, 15 मैं काटूंगा, 15 ये काटेगा, मतलब कोसी भरता है, भरने जब जाते हैं तो 15 गन्ना काटना पड़ता है। तो काटते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ गन्ने वाले क्या चिल्लाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा खेत तो है नहीं गन्ने का, हमारे सिर्फ धान का था। तो गन्ने जिसमें से काटेंगे उनसे प्यार से बात करना पड़ेगा, हालांकि एक बात, एक गन्ने के खेत में से दो काटना है तो वो सामने वाला नहीं चिल्लाएगा, अगर ज़्यादा काटेंगे तो चिल्लाने वाला ही है, तो हम लोग उसका डांट ना सुन के सिर्फ दो दो ही गन्ने के खेत में से काटना है। मेरे पीछे गन्ने का खेत शुरू हो गया, यहाँ से काटेंगे ऐसे एक पूरा ऐसे घूम 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 तब जाकर घर पे जाना है। तो पहला खेत से शुरुआत करेंगे, इधर से दो गन्ना काटेंगे, उसके बाद बहुत यहाँ गन्ने के खेत है तो हम काटेंगे पहले। और गन्ना काटने समय सीधा गन्ना रहना चाहिए, टेढ़ा गन्ना नहीं रहना चाहिए और पतला, ताकि लेके जाने में वजन ना लगे। ये देखिए सीधा एकदम गन्ना ऐसे ही काटना है हमको, 15-30। देखिए आप लोगों को गन्ना दिखा देता हूँ, ऐसा ऐसा गन्ना रहता है। यहाँ पे एक बात है, मतलब वहाँ पे गया था ना तो एक खेत में दो ही गन्ना काटा था, बोलते बुआ कम काटा करो, बोले हाँ चाचा दियो काटा था नहीं, बोलते अरे बहुत खेत है कि दो ही तीन काटना, उससे ज्यादा मत काटना, क्योंकि उनका भी भाई किसान है तो उनका भी इसी से खेत चलता है ना, साल में एक बार ये होता है।
तो ज्यादा नहीं, इसलिए दो दो ही काट रहे, उधर से चार काटे, अभी इतना खेत है, दो दो समय से काट के निकल लेंगे। क्या अभी चार ही गन्ना मिला है, अभी 26 गन्ना के लिए हम लोग घूम रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारा ऊखी है, कितने सारे लोग आए हैं ऊखी काटने के लिए। तो अभी जैसे हम लोग बिहार में धान के जो छिलका रहता है पत्ते का, उसका भी रसरी बना के यूज करेंगे उसको बांधने के लिए। रसरी नहीं लाए हैं घर, कितना गन्ना हुआ है कैसे लेके जाऊंगा ये समझ नहीं आ रहा। अरे बाप रे, छट्टी गन्ना है, 30 शुगर का नहीं है, बाप रे। तभी इतना बांध दिया, लास्ट का जो बांधा हो बांधना वही बताना है कैसे बांधते हैं इसको। पूरा का पहले गार्ड बनाएंगे, इससे पहले दिखा दो शेप में लाके हैं। इसको बांध के, इसे घुमा के इसको साइड से अंदर इसको डाल देना, बस हो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोनों मिलके कोसी लेके आएंगे, फिर गन्ना तो काट लिया, अभी कोसी जाके ला के फिर उसके बाद आगे जो प्रक्रिया रहेगा शाम को छठ में सबको दिखाऊंगा, उसका नेक्स्ट ब्लॉग अगला लेके आऊंगा। आज ही 3 ब्लॉग डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जल्दी सूख जाएगी कोसी पर लेट लगा रहा। तो इसी में जो दिया ढकना है वो इसी में तैयार होता है, इसका नाम आवा है। आवा मतलब हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलना चाहेंगे तो भट्टी लगा है, गोरा वोरा डालते फिर आग जलाएंगे तभी ये पकता है। अभी कच्चा था, ये पक के तैयार हो गया, अब वहाँ पे कलर हो रहा है, बड़ी में कलर कर रही है। तो ये कलर नहीं हुआ था, तो ये बड़ी अम्मी जो है वो कलर करके दे रही है, छोटा सा भाई है वो कलर कर रहा है। तो इनका शॉप दिखाता हूँ, शॉप तो बड़ा नहीं है, ये इसके बारे में बताता हूँ क्या है। ये कलर कर रहे, 3 कलर मार रहे, एक वाइट, रेड और ग्रीन, 3 कलर मार के दे रहे ताकि अच्छा दिखे। तो पैसा देके हो गया, अब इसको अंदर रखेंगे गोनी के अंदर। तो 14 ढकना, 14 दिया और दो कोसी और एक हाथी ये लेके जा रहा हूँ यहाँ से। तो 150 रुपये दिए हम लोग, तो देखते हैं आगे, देखते रहिए।